पिछले चार दिन से लगातार कार्यक्रम 30 अप्रैल को बेरोजगारी भत्ता का वितरण हम लोगों ने किया और 1 मई 2 मई और 3 मई को बजट में जो हम लोगों ने श्रमिकों के लिए मितानिनों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए फिर जो राशि हमने वृद्धि की है उस मानदेय में कल उन्होंने आभार व्यक्त किया। आज नगर सैनिक है, कोटवार है, पटेल है, गौठान समिति ये सारे सदस्य आए थे, अध्यक्षगण आए थे और आज पहली बार गौठान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को जो स्वावलंबी गौठान है उसको करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि 1.5 करोड़ रुपये के राशि मानदेय के रूप में उनको वितरित किया गया और 9 करोड़ के अधिक की राशि गोधन न्याय योजना के माध्यम से वितरित किया गया। नगर सैनिकों ने कहा कि हमने कल्पना नहीं की थी 500 हज़ार रुपये बढ़ता था, कभी हम लोग मांग करते थे, इस समय 6,300 से लेकर 6,420 रुपये तक के वृद्धि हुई है। पटवारों के मानदेय में भी 500 से लेकर 1,500-2,000 तक के वृद्धि की गई। उसी प्रकार से पटेलों के मानदेय में पहले 2,000 मिलता था तो बढ़ा के 3,000 किया गया है। तो लगातार प्रदेश में ये ऐसे वर्ग है जो हमारे आधारभूत जो ढांचे हैं उसके ये लोग प्रमुख हैं और उनको उनके मानदेय और उसे सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो आज आभार सम्मेलन में लोग आए थे, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए दंगे कौन लोग कराते हैं, आप देखेंगे इसमें किसी भी प्रदेश में आप देख रहे हैं जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ छोटी सी घटना को बड़ा करके लोग उसको वर्ग विभाजन करने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ कि इन लोगों को यही आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। प्रियंका जी ने ठीक कहा, कर्नाटक में चुनाव हो रहा, कर्नाटक की जनता के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ 40% कमीशन लिया जा रहा है उसके बारे में कब बोलेंगे। लेकिन वो हमेशा इसी बात पे हिंदू मुसलमान, क्रिश्चियन हिंदू, कभी आदिवासी और हिंदू करेंगे, कभी दलित और हिंदू करेंगे, ये लोग केवल इसी में मास्टरी है और यही काम कराते हैं। आपस में समाज के लोगों को लड़ाओ, जोड़ने का काम ही नहीं करते, तोड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं। जो अंग्रेज के जो सिद्धांत था फूट डालो राज करो, आज उसी सिद्धांत पे कर रहे हैं और जनता अब समझ चुकी है कि किसी आदमी को कितने दिन तक आप ठग सकते हैं। एक ना एक दिन आँख मतलब समझ आ ही जाता है कि ये तो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो हिंदुओं को कौन सा लाभ हो रहा है कि मुसलमान को क्या लाभ हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये लाभ केवल भारतीय जनता पार्टी को रहा है, आम जनता को क्या लाभ हो रहा है, हिंदू मतदाता उसको कौन सा लाभ हो गया, अब बताइए भला। मुझे एक भी सर्वे करके बता दे आप मीडिया वाले हो, देश के या किसी प्रदेश के किसी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की ये जो क्रियाकलाप है जो लड़ाने का सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं उसमें किसी वर्ग को क्या लाभ मिला, केवल तनाव बढ़ा है, मारपीट हुई है, अंग भंग हुए हैं, हाथ पैर टूटे हैं, जाने गई है। इसके अलावा फायदा यदि कहोगे तो केवल भारतीय जनता पार्टी को है। अभी भारतीय जनता पार्टी का अब याद आई, आज तक कभी नहीं किए थे आप, भांचाराम तो कभी नहीं बोले थे, रमन सिंह कल एक बयान दिए कि 58% आरक्षण है वो ठीक था, हमने जो किया वो ठीक था, इसका मतलब ये है कि हमने पिछड़े वर्ग को 27% दिया उसको पसंद नहीं है, वो 14% तक ठीक है, 27% उनको नहीं मिलना चाहिए, EWS को नहीं मिलना चाहिए। ये रमन सिंह की जो सोच है ये वही सोच है कि लोगों के बीच में लड़ाई कराओ। ठीक है, थैंक यू।